नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के आल पर प्रेस कर दें। तो दोस्तों, जानेंगे कि जो सीकर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहाँ पर जो मूंगफली की फसल है वो दोस्तों काफ़ी ख़राब हो चुकी है और सूखने लगी हैं। बरसात नहीं हुई है बिल्कुल ही। देखते हैं दोस्तों, कितने हेक्टर में मूंगफली की फसल ख़राब हुई है और किस कारण से हुई है, और बारिश कितने समय से नहीं हुई है, इसकी पूरी रिपोर्ट है। तो दोस्तों, बारिश की कमी से जो फसलें हैं वो दम तोड़ने लगी हैं और 9,300 हेक्टर में मूंगफली की फसल नष्ट हो चुकी है, यानी कि 130 करोड़ रुपए का किसानों को काफ़ी नुकसान हो गया है। तो मानसून की सीजन के 66 में से 48 दिन सूखे बीत चुके हैं और नतीजा 40% मूंगफली की फसल नष्ट हो गई, यानी कि 66 से 48 दिन बिल्कुल सूखे निकल चुके हैं दोस्तों। तो 20 गांवों में जो जायजा वहां पर लिया है सीकर का दोस्तों, तो वहां की ये पूरी रिपोर्ट है। मानसून सीजन में मौसम की बेरुखी के आगे फसलें दम तोड़ने लगी हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान मूंगफली की फसल में हो रहा है। तो सीकर ज़िले में जो 23,684 में से अब तक 9,300 हेक्टर में 130 करोड़ रुपये की मूँगफली की फसल लगभग नष्ट हो चुकी है। इन हालातों से कर्ज लेकर खेती करने वाले किसान काफ़ी चिंतित हैं। एक्सपर्ट की माने तो दोस्तों, जो 5 दिन बारिश नहीं हुई तो नुकसान का ग्राफ काफ़ी और बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर 4-5 दिन में बरसात नहीं हुई तो बाजरा, मूंग सहित अन्य फसलों का भी भारी नुकसान पहुंचेगा। मानसून सीजन के 66 में से 48 दिन सूखे बीत जाने के महज केवल 18 दिन बारिश हुई है। तो ज़िले में औसत बारिश का आंकड़ा है वो 41 mm पिछड़ चुका है और ज़िले में अब तक 323 mm बारिश होनी थी। तो ज़िले में लगातार बढ़ रहे सूखे के हालात पर जो वहाँ से जो ग्राउंड जीरो रिपोर्टर ली गई है दोस्तों 20 गांवों की, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो मूंगफली में हुआ है और कई खेतों में साफ भी हो चुके हैं, बिल्कुल सूख चुके हैं। तो ज़मीन में अंदरूनी गर्मी बढ़ रही है। अगस्त में 29.5 डिग्री के साथ तापमान हाई पर होता जा रहा है। ऐसे में लगातार बढ़ रही कीट रोग मूंगफली की फसल नष्ट कर रहा है। सीकर ज़िले में सबसे ज़्यादा जो धोन व दातारामगढ़ इलाके में फसल में नुकसान सामने आ रहा है। इसमें 50,000 से ज़्यादा किसानों को नुकसान हुआ है। किसानों के अनुसार सीकर में करीब 20 गांवों में 50% धोन के करीब 30 गांवों में 40% व दातारामगढ़ के 2 दर्जन गांवों में 40 से 62% मूंगफली के खेतों में कीट रोग व जड़ गलन रोग से फसल नष्ट हो चुकी है। फसलों में नुकसान के जो संबंध में दोस्तों वहाँ से जो जानकारी जुटाई गई है, तो काफ़ी फसल का जो जायज़ा लेने पर वहाँ पर जो मूंगफली की फसल है उसमें 70 से 100% नुकसान सामने आया है। तो सीकर ज़िले में 23,684 हेक्टर में मूंगफली फसल की बुआई की गई है, इसमें से करीब 9,300 हेक्टर नष्ट हो चुकी हैं और सीकर व पिपराली इलाके के धाधईपुरा, कुंडली, सियासन, रसीपुरा, बेरी, दादिया, रघुनाथगढ़, निर्माणों की ढाणी, पुरोहित का बास, कुशलपुरा, गुंगारा, धोन, सावलोदा गांव ज़्यादा नुकसान में है। इसके अलावा दातारामगढ़, खंडेला, नीमकताना, श्री माधोपुर, लक्ष्मणगढ़, पिपरानी, धोन क्षेत्र में भी मूंगफली की फसल को काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। सीकर, धोन, लक्ष्मणगढ़, निमकाथाना, दातारागढ़, खंडेला, माधोपुर इलाके में 23,684 हेक्टर में मूंगफली की फसल की बुआई की गई। तो कृषि विभाग के अनुसार धोन व सीकर तहसील के 45 से 50% खेतों में मूंगफली की फसल खराब हो चुकी है दोस्तों। तो वहाँ पर जो काफ़ी फसल खराब हो चुकी है सीकर में और काफ़ी किसानों को काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है दोस्तों। तो कुल बुआई की बात करें दोस्तों, तो सीकर में 4.83 लाख हेक्टर में बुआई हुई है और हनुमानगढ़ में जो है वो 7 लाख हेक्टर में बुआई हुई है, और झुंझुनू की बात करें तो 4.95 लाख हेक्टर में टोटल कुल फसलों की बुआई हुई है। अगर मूंगफली की बुआई की बात करें तो सीकर में 23,684 हेक्टर में बुआई हुई है और हनुमानगढ़ में 13,390 हेक्टर में बुआई हुई है। इसके साथ ही झुंझुनू में 20,000 हेक्टर में बुआई है और मूंगफली में जो खराबा है वो सीकर में 9,300 हेक्टर में हुआ है। हनुमानगढ़ की बात करें दोस्तों, राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, 3,000 हेक्टर में मूंगफली में नुकसान हुआ है। इसके साथ ही झुंझुनू में 8,000 हेक्टर में मूंगफली में नुकसान हुआ है दोस्तों। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है किसानों का, और उसमें जो नमी के कारण जो कीट रोग और ये दूसरे जो फसल जो सूखने का रोग है वो बढ़ रहा है,
तो कृषि अनुसंधान केंद्र के जो पूर्व निदेशक हैं उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि वरिष्ठ कीट एवं जड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सहदेव सिंह जी जो हैं उन्होंने तापमान बढ़ने व जरूरत के अनुसार सिंचाई नहीं होने की स्थिति में मूंगफली की फसल में दीमक कीट या सफ़ेद लट का प्रयोग होता है जो पौधों की जड़ों को काटकर नष्ट कर देता है। यानी नमी कम होने की स्थिति में ये कीट सक्रिय हो जाते हैं और खेत में खड़ी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। बचाव के लिए क्लोरोपायरिन फास 20 ईसी 4 लीटर या क्लूनल फास 25 ईसी 2.5 लीटर या इमिडा क्लोरोपीट 500 ml प्रति हेक्टर बालू मिट्टी मिलाकर बुरकाव करें, इसके बाद सिंचाई करनी चाहिए जिससे ये कीट खत्म हो सकते हैं। तो दोस्तों भारी मात्रा में राजस्थान के अंदर सीकर, हनुमानगढ़ और झुंझुनू में जो मूंगफली की खेती करते हैं किसान, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।